नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 31 अगस्त यानी कि आज गणेश चतुर्थी है और इस दिन गणेश जी की स्थापना और पूजा के लिए दिन भर में कुल 6 शुभ मुहूर्त रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देश भर में धूमधाम के साथ भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और पूरे 10 दिनों तक बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस साल वो सारे योग संयोग बन रहे हैं जो गणेश जी के जन्म पर बने थे। दिन बुधवार, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र चित्रा और मध्यान्ह काल यानी दोपहर का समय, यही वो संयोग था जब पार्वती जी ने मिट्टी के गणेश बनाए थे और शिव जी ने उसमें प्राण डाले थे। इसके अलावा भी कुछ दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं जो 31 अगस्त से 9 सितंबर तक गणेश उत्सव के दौरान रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज कुल 6 शुभ मुहूर्तें, दिन भर इन 6 मुहूर्तों में आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। जबलपुर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, भक्त काफी उत्साहित हैं। गणेश जी की प्रतिमा को लेकर भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी प्रफुल्लित वो नजर आ रहे हैं और जबलपुर में भी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित आज की जा रही है। गणेश उत्सव की आज देश भर में रौनक देखने को मिल रही है। स्थापना और पूजा के लिए दिन भर कुल 6 मुहूर्त आज होंगे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना आज की जा रही है। तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, गणेश उत्सव से जुड़ी हुई बड़ी खबर भोपाल से है, जहां 1000 पंडाल में श्री गणेश विराजने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने रोक टोक को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। समितियों को अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना जरूरी होगा। ट्रैफिक जैम ना हो इसका भी ख्याल रखना होगा। इस बार कोरोना का संक्रमण कम है, पंडाल झांकियों की जांच अफसर भी करेंगे। तो राहत की बात है भोपाल वासियों के लिए, क्योंकि पहले 2 सालों की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था। सख्त गाइडलाइन प्रशासन की होती थी। पंडालों को लेकर भी इस बार कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन हाँ, कुछ मापदंड है जिनका पालन आपको जरूर करना होगा। सबसे पहले तो पंडाल झांकियों की जांच अफसर करेंगे। ट्रैफिक जैम ना हो इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अस्थायी बिजली कनेक्शन भी आपको लेना होगा, यदि किसी तरह से पंडाल स्थापित करके आप गणेश जी विराजते हैं तो। जिला प्रशासन ने इस बार रोक टोक को लेकर फिलहाल कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की है। समितियों को अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना जरूरी होगा। ट्रैफिक जाम ना हो यानी कि जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं पंडालों में, उनके जो वाहन है वो व्यवस्थित ढंग से रखे हों, जिससे कि यातायात प्रभावित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और संक्रमण कम है लेकिन इसके बावजूद पंडाल और झांकियों की जांच अफसर करने पहुंचेंगे। राजधानी भोपाल में 31 अगस्त यानी आज बप्पा के स्वागत के लिए शहर में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है। पुराने भोपाल के एक कलाकार ने साबुदाने, काले तिल और मोर पंख से गणेश प्रतिमा को आकार दिया है। कलाकार रवि यादव ने बताया कि पिछले 20 सालों से गणेश प्रतिमा बना रहे हैं। उनकी बनाई गई प्रतिमाएं शहर के 5 नंबर स्थित पंडाल में विराजित की जाएंगी। कोविड के 2 साल बाद इस बार राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव का जो पर्व है काफी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बार जो मूर्तिकार हैं वो लगातार इको फ्रेंडली मूर्ति बना रहे हैं और इको फ्रेंडली जो मूर्ति की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि जो इको फ्रेंडली जो मूर्ति है, मूर्तिकार ने गणेश प्रतिमा बनाई गई है, साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गणेश प्रतिमा को बनाने के लिए साबुदाने, मोर पंख और जो तिल है, काली तिल का प्रयोग किया गया है। हमारे साथ मूर्तिकार रवि यादव जी मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। रवि भाई, ये बताइए कितना समय लगा इसको मूर्ति को बनाने के लिए? इस मूर्ति को बनाने में मुझे ना 25 दिन लगे हैं। इस मूर्ति को बनाने में और लोगों का भी सहयोग मिला है मुझे। और इस मूर्ति को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, इन मूर्ति को बनाने में अपना सोया साबुदाना, काली तिल, रुद्राक्ष और आपकी मोर की पंख की डंडी और आइसक्रीम की लकड़ी, इन चीज़ों से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। ये काम तो मेरा खानदानी काम तो नहीं है,
लेकिन एक बचपन से एक भगवान की सेवा करते हुए, गणेश जी महाराज की सेवा करते हुए उनसे जो काम मिला है, और मैं ही पहला व्यक्ति हूँ अपने खानदान के अंदर जो भगवान जी ने जो कार्य मेरे हाथों पे सौंपा है। तो देख सकते हैं ये मूर्तिकार रवि यादव जो बता रहे थे कि इस मूर्ति को बनाने में काफी 8 महीने का समय लगा है, और ये साबुदाना, काली तिल और मोर पंख के प्रयोग करके मूर्ति को बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि गणेश उत्सव की तैयारी को लेकर जो स्वागत तैयारियां हैं गणेश उत्सव की तेज हो गई हैं राजधानी भोपाल में, और कल घर घर चौक चौराहे पे गणेश स्थापना की जाएगी। कैमरामैन गणेश तिवारी के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। गणपति बप्पा को अपने घर लाने के लिए आतुर लोगों का हजूम बाजारों में उमड़ पड़ा है। थीम रोड और कटोरताल रोड पर तो मूर्तियां खरीदने वालों का मेला सा लगा रहा। ज्यादातर खरीददारों की पसंद इको फ्रेंडली गणेश रहे, यानी मिट्टी की प्रतिमाओं की ज्यादा मांग है। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बेचने वाले उत्साहित हैं और ग्राहकों को ऑफर भी दे रहे हैं। बुधवार यानी 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत होनी है और हर कोई चाहता है कि उनके घर में बप्पा विराजें और साथ ही सुख समृद्धि का वास हो। लिहाजा मूर्ति खरीदने पहुंच रहे लोग अपने साथ मूर्ति खरीद कर ली जा रहे हैं, तो कुछ बुक करके जा रहे हैं। वे शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति घर ले जाना चाहते हैं। ग्राहक आना शुरू हो रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद देख रहे हैं, मिट्टी की दोनों तरह की गणेश जी मूर्ति देख रहे हैं, खरीद रहे भी, ले जा रहे भी। अभी कल ज्यादा बिकेंगे, संजय बुक करके भी जा रहे हैं। हो गई 10-20 मूर्ति बुक हो गई। कई आदमी हालिया ले जाते हैं, कोई बुक कर जाता है बजे। कल लेने आएंगे जो बुक नहीं है, जिनकी जो मुहूर्त से उठाएंगे ना एक दो। बाजार में मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियों को खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। बेचने वालों में हर साल के विक्रेता तो हैं ही, कुछ पर्यावरण प्रेमी भी हैं। वे मिट्टी से बनी इन मूर्तियों के विसर्जन के लिए भी गमला दे रहे हैं और साथ में एक पौधा भी, ताकि साल भर भगवान गणेश यानी गणपति बप्पा का आशीर्वाद पौधे के रूप में उनके साथ बना रहे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वातावरण ही दूषित होने वाला है तो इफेक्ट तो हम ही लोगों के पास आने वाला है। और ये जो गणेशपति शुरू करा है, ये जो इन लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है, इसमें तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो गणपति बहुत अच्छे हैं, इको फ्रेंडली 100%, उसके साथ पौधा दे रहे हैं जो अगेन वातावरण को दूषण से बचाएगा, और तीसरा इम्पोर्टेंट गमला भी दे रहे हैं ये। मतलब इसमें कोई आदमी बहाना ही नहीं बना सकता कि भाई मेरे पास ये नहीं था इसीलिए मैंने ये कर दिया। ये हम आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स हैं और ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है लोगों को अवेयर करने के लिए। इसमें हम एक इको फ्रेंडली आइडल दे रहे हैं, हमने एक पूरी किट रेडी की है। इसमें हम एक आइडल तो दे ही रहे हैं, साथ में एक पॉट दे रहे हैं और एक प्लांट दे रहे हैं और एक माला दे रहे हैं। ग्वालियर में इस बार लोगों में गणेश स्थापना को लेकर जागरूकता ज्यादा दिखाई दे रही है। वे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की न घुलने वाली मूर्ति की बजाय इको फ्रेंडली और मिट्टी से बने गणेश की मूर्तियां स्थापित करना चाहते हैं, ताकि पर्यावरण की शुद्धि भी बनी रहे। ग्वालियर में भी गणेश उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है और गणेश की स्थापना 31 अगस्त को होनी है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि ग्वालियर के इस थीम रोड यानी कटोरा ताल रोड पर अलग अलग डिजाइनर और मिट्टी के गणेश यहां पर विराजे हुए हैं। खास बात है कि जो आप एक आकर्षण बना हुआ है यहां पर, जो कलकत्ता से गणेश जी की मूर्तियां आई हुई हैं और मुंबई के लालबाग के राजा भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इस खूबसूरत प्रदर्श के साथ साथ जो मूर्तियां गणेश जी, पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी गणेश उत्सव के लिए बाजार सजने लगे थे। ग्वालियर के कटोरा ताल रोड पर बरसों से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर बेचने वाले कलाकार इकट्ठे होते हैं। यहां पर इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं हैं तो मिट्टी से बनी छोटे से लेकर बड़े आकार की मूर्तियां भी। इस बार कोलकाता से बिक्री के लिए आए गणेश जी की प्रतिमाओं की मांग कुछ ज्यादा है। खासियत यह है कि ये गणेश जी की सुंदर कलात्मक और नक्काशीदार प्रतिमाएं 5 नदियों के पवित्र जल से बनी है। ग्वालियर के गणेश प्रतिमाओं के बाजार का जायजा लिया हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। ग्वालियर में भी गणेश उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है और गणेश की स्थापना 31 अगस्त को होनी है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि ग्वालियर के इस थीम रोड यानी कटोरा ताल रोड पर अलग अलग डिजाइनर और मिट्टी के गणेश यहाँ पर विराजे हुए हैं।
खास बात है कि जो आप एक आकर्षण बना हुआ है यहाँ पर, जो कलकत्ता से गणेश जी की मूर्तियाँ आई हुई हैं और मुंबई के लालबाग के राजा भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इस खूबसूरत प्रदर्शन के साथ साथ जो मूर्तियाँ गणेश जी की यहाँ पर बनी हुई हैं उसमें खास बात है कि आकर्षण इस बात को लेकर बना हुआ है कि जो लालबाग के राजा के साथ साथ जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं जो कम से कम ये कलकत्ता से यानी कि हुबली की नदी से आई हैं, यहाँ कुछ ग्राहक भी हैं उन्होंने पसंद किए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे भाई साहब कौन से गणेश जी आपको पसंद आए और क्या खासियत है इनकी। ये कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं और कलकत्ता की इनमें सुंदरता बहुत ज़्यादा है, तो इको फ्रेंडली भी है ना। हम तो मिट्टी के ही लेते हैं हमेशा से और यहीं से लेते हैं। खासियत इनकी जो मूर्ति है ना वो बहुत सुंदर होती है, बहुत देखने में आकर्षक, और उससे मतलब मन में श्रद्धा और ज़्यादा वो विश्वास होता है, फलित भी होती है इनकी मूर्ति। साल उसको विसर्जित कर देते हैं। हाँ नहीं, वैसे तो 11 दिन तक करते हैं, लेकिन पिछली बार ले गए थे तो हमने एक साल रखे उनकी जगह पे, हमने छोटी सी मूर्ति मतलब वो क्या नाम है सुपारी भी रखते हैं साथ में, वो विसर्जित करके हमने एक साल तक अपने ड्राइंग रूम में रखा क्योंकि मूर्ति इतनी आकर्षण। कितने दिन लगते हैं? अरे सब कारीगर जो बनाने के लिए तो मूर्ति तो बहुत टाइम लगता है उसका, बनाते हैं पहले। इसमें खासियत क्या है, ये दो पल्लों में जोड़ा जाता है, फिर इसके संग इसकी सूंड दांत वगैरह अलग पीओपी में एक ही बार डाल दिया जाता है, तो इसमें वर्क ज़्यादा होता है। उसके बाद में इसमें जो डेकोरेशन होती है ये वो आम आदमी नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल आम आदमी नहीं कर सकता है, और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं और उसके साथ साथ आप जो यहाँ पर जो एक रंग बिरंगी मूर्तियाँ हैं उसका एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जो छठा है उसको देखने की बात ही कुछ अलग होती है, और जो गणेश जी की मूर्तियां हैं उसमें एक मिट्टी की मूर्ति को विसर्जन के लिए एक जो दावा किया जा रहा है उसमें ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है, और अब हर कोई अपने गणेश जी को अपने घर पर ले जाना चाहता है और उसकी स्थापित करना चाहता है मूर्ति। और लेकिन जिसकी शुरुआत आज से यहाँ कटरोताल थीम रोड पर हो चुकी है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर। जबलपुर में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश उत्सव को लेकर बाजार सज चुके हैं, जहां अनेक प्रकार की आकर्षक प्रतिमाएं, लोगों की भीड़ उमड़ी है और इस बार गणेश उत्सव में धूम दिखाई देने लगी है। गणेश उत्सव के पूर्व की तैयारियों का जायजा लिया INS 24/7 के संवाददाता ने। इस साल प्रशासन का कोई गाइडलाइन नहीं है, सारी समितियां जगदलपुर की भव्य रूप से तैयारियां कर रही हैं, विशाल मूर्तियां भी बनी हैं, और हमारी समिति की बात करूं तो हमारी समिति ये 25वां साल मना रही है, जगदलपुर की पहली समिति होगी जो निरंतर 25 साल कंप्लीट करेगी। दो साल कोरोना के वजह से जो मतलब छोटे छोटे पंडाल एकदम छोटे रूप में बैठे थे, तो इस साल सभी समिति भव्य रूप से मनाने का प्रयास कर रही है, और सब कुछ कोरोना कोई गाइडलाइन अभी इस साल पाबंदी नहीं है, तो भव्य रूप से मनाना बहुत अच्छा उत्साह चल रहा है, मतलब भरी सभी समितियों में, और बाजे भी बाहर से मंगाए जा रहे हैं।